किड्स, वेलकम बैक अवर चैनल कुकिंग विद किड्स। आज मैं लेकर आई हूँ दही बड़ों की रेसिपी। जी हाँ, ये मेरी स्पेशलिटी है, माश की दाल के दही बड़े। इसके लिए मैंने एक कप जो है वो माश की दाल ली है। इसे मैंने 2 से 3 पानी से धो के और इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसका पानी जो है ये हम नहीं यूज करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको इसमें शिफ्ट करा एक बर्तन में और इसमें मैं 1/2 कप से भी कम पानी जो है वो इसमें शामिल करूंगी। इससे ज्यादा पानी हम इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि दाल जो है वो सोक हो रही है, उसमें अपना पानी खुद होता है। अब इसमें मैं 1/2 चुटकी जो है वो सोडा डालूंगी। सोडा हम ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप ज्यादा सोडा करेंगे ना तो ये जब आप फ्राई करेंगे तो ये तेल के अंदर खुल जाएंगे, फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने नमक इसमें शामिल करा है। दाल अगर आपकी ज्यादा हो तो आप उस हिसाब से नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको इसमें इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ ताकि क्वांटिटी कम है, मैंने जग में इसलिए नहीं डाला, वरना इसका आधा पेस्ट जो है वो जग में ही रह जाता। उसके बाद जो है आपको मैं यहाँ पर एक टिप दे दूं, जिनकी अगर दाल पतली हो जाती है, फर्स्ट टाइम जो बना रहे होंगे इसको उनके लिए मैं एक टिप है, बहुत अच्छी सी, गौर से सुनिएगा। अगर ये दाल पतली हो जाती है तो आप क्या करेंगे, इसको सूखी हुई दाल लीजिएगा, उसका पाउडर बनाएगा, वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है 1 चुटकी मैंने अजवाइन डाली है, ये दाल का जो बादीपन होता है वो खत्म कर देता है, ये आप जरूर इसमें शामिल करिएगा। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इस वक्त आप इसको मिक्स करके भी फौरी फ्राई कर सकते हैं इसकी बड़ों को। अगर नहीं आपको है थोड़ा टाइम है तो आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। वैसे दाल भीगी भी थी तो ये ऑटोमेटिकली इसका खुली भी होती है, इसको और इसकी जरूरत नहीं होती रेस्ट की। फौरन आप बनाए फौरन फ्राई भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने 1 किलो दही लिया है। यहाँ पर मैं 1 किलो दही की रेसिपी बता रही हूँ आपको। उसके अंदर मैंने 2.5 जो है वो डिश के चमचे जो होते हैं वो मैंने चीनी के डाले हैं। इससे ज्यादा हम चीनी इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये बहुत मीठा हो जाएगा और ये चीनी इतनी दही के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चीनी को हमें इतने अच्छे इसमें मिक्स करना है ताकि इसके जो क्रिस्टल है तो वो नजर ना आए। और अगर आप पाउडर फॉर्म का यूज कर रहे हैं चीनी को पाउडर बना के, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप दूध डाला है। पानी हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पानी से जो है इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आएगा। दूध डालेंगे तो इसका एक क्रीमी टेक्सचर आएगा, जो कि हमें दही जो कि हमें चाहिए, ये क्रीमी सा टेक्सचर, ये क्रीमी दही बड़ों सा टेक्सचर इसका आ जाता है। जब क्रीमी आप लोग खाते हैं आपको लगता है कैसे होते हैं। अब यहाँ पर आप मेरी वीडियो को जो है वो हमेशा एंड तक देखा करें, आपको टिप मिलती रहती है बीच बीच में। अब यहाँ पर मैंने पैन यूज करा है, कढ़ाई नहीं यूज करी क्योंकि मुझे बड़ों को जो है इसका शेप जो है वो ऐसा देना है। देखें मैं कैसा डिश का चमचा ले रही हूँ, डिश का फैला हुआ चमचा लिया है गोल, ताकि इसका शेप बिल्कुल वैसा बने। और अगर हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे ना तो ये गोल फुलकियां बन जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे पानी में नहीं जो है भिगोया, वरना लोग जो है दही बड़ों की फुलकियों को पानी में भिगोते हैं, मैंने पानी में नहीं भिगोया, जस्ट फ्राई करा। और जब ये ठंडा हो गया इसको इसमें डिश में डाल के और ऊपर से मैंने इसमें जो ठंडा ठंडा दही है वो मैंने इसके ऊपर डाला। दही बहुत ठंडा था, बहुत मजेदार से दही बड़े ये ना रेडी हो गए थे ठंडे से माश की दाल के। होममेड जो है ये दही बड़ों का मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। और ये इमली की चटनी, ये जो होममेड है आप लोगों को पता होगा जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, पहले से अपलोड है इसकी वीडियो। मीठी इमली की चटनी